किस तरीके से अंदर हो रही है क्या क्या हो रहा है अब वो इंसान जिसको अंदर रखा हुआ है उसके रूम के अंदर एक स्नेक सांप को छोड़ दिया और जैसे वो सांप अंदर गया और उसे काटा और वो इंसान पांच मिनट के बाद मर गया तो ये सब सिचुएशन जो अंदर हो रही थी वो ये इंसान को बाहर से दिखा रहे थे कि भाई तुझे भी कल इस तरह से मारा जाएगा राइट सो बी प्रिपेर तैयार हो जाइए आपकी मौत के लिए अब दूसरे दिन जब उसकी उसके उसका ये समय आ गया और उसे भी उसी रूम में रखा गया जिस रूम में उसको पहले इंसान को कल मारा गया था उसी रूम में उसको रखा गया अब लाइट ऑफ है कैमरे लगे हुए हैं बाहर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं अब उसके रूम के अंदर एक चूहे के छोड़ दिया रैट को छोड़ दिया अब जैसे वो रैट अंदर गया वो हर जगह पर रैट क्या हो रहा है घूम रहा है और ये देखते हैं कि वो इंसान भी कुछ समय के बाद नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है आपको क्या लगता है कैसे मरा होगा वो डर से डर से मर सकता है विचुअलाइज क्या सॉरी राइट सो माई डिफेंड्स जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि उसके बॉडी के अंदर जो जहर था वो सांप का जहर था स्नेक का जहर था कैसे मुमकिन हो सकता है सांप ने तो काटा नहीं मगर सांप का जहर कैसे क्रिएट हो सकता है अंदर बिकॉज आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आपका माइंड आपकी बॉडी के अंदर जहर भी क्रिएट कर सकता है कुछ भी क्रिएट कर सकता है उतना पावरफुल आपका माइंड है राइट सो डियर फ्रेंड्स कि अगर माइंड हमारे इतना पावरफुल है तो हम क्यों उसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे क्यों उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं अगर उसको सही तरीके से यूज करेंगे तो कितने अमेजिंग कितने पावरफुल रिजल्ट मिल सकते हैं सो so, अगर आपके माइंड ने कोई भी चीज को मान लिया यानी कंसीव किया और आपके दिल ने बिलीव किया तो वो 100 परसेंट आपकी जिंदगी में हो सकता है इट्स मुमकिन पॉसिबल है वो राइट right? जैसे आपने सुबह भी एक प्रोसेस किया था वो लेमन वाला यानी वो लेमन का टेस्ट आपने कैसे एक्सपीरियंस किया क्या आपने लेमन खाया था क्या नहीं मगर तो भी आपने एक्सपीरियंस किया बिकॉज ऑफ माइंड राइट right? तो वैसे स्नेक का जहर वो बॉडी के अंदर इसी के लिए क्रिएट है बिकॉज़ right? तो माइंड तो को जो कन्विंस करोगे वो माइंड मानने के लिए तैयार है अगर आपने माइंड को कहा कि यार मैं तो सक्सेसफुल हो चुका हूं तो आपका माइंड मानने के लिए तैयार है मगर उसके लिए आपको पहले विश्वास होना जरूरी कि आप जो कह रहे आप जो बोल रहे क्या सही में ऐसा है या नहीं है बिकॉज होता क्या है ना कि हमें जैसे कि काफी सारे लोग जो प्रोग्राम करके जाते हैं एंड उसके बाद अगर कि का टारगेट रखा और उनको जब कहते हो कि आप में जिए मतलब क्या होता है कि आप ऐसा जिंदगी जीना शुरू करो कि वो आपकी जिंदगी रियलिटी में है यानी कि अगर यहां से बाहर जा रहे और आपने ऑटो पकड़ा तो आपको ये नहीं बोलना कि आप ऑटो के अंदर बैठे हुए आपको ऐसा ही बोलना है कि मैं मर्सडीज के अंदर बैठा हुआ और ड्राइवर चला रहा है और आप आगे जा रहे राइट सो इसको कहा जाता है एक्चुअलाइजेशन मगर होता क्या है कि जब हमारे मन में हम ऐसे बोलते हैं तो हमारे मन में डाउट आता है कि यार क्या ये ये तो झूठ झूठ है सुनो yes no? मगर माइंड ने अगर झूठ मान लिया तो भी एक बार मानेगा दो बार मानेगा तीन बार मानेगा मगर कभी ना कभी तो आपकी जिंदगी के अंदर वो रियलिटी में आएगा जैसे बिल गेट्स को याद करो बिल गेट्स जब छोटी उम्र के उम्र पर कि मैं नंबर वन एक रिचे पर्सन की लिस्ट में आ चुका हूं और इसी के लिए वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने क्योंकि तभी तो उनके माइंड ने कन्विंस किया ना उनके मायने स्वीकारा कि यह मुमकिन है हो सकता है पॉसिबल है और इसी के लिए वो पॉसिबल हो चुका है माय डियर फ्रेंड जितने भी सफल लोग इस दुनिया में हो चुके उन सभी सक्सेसफुल लोगों ने अपनी आप के ऊपर विश्वास रखा कि ये हो सकता है मुमकिन है है पॉसिबल है। और जिन्होंने अपने आप के ऊपर विश्वास रखा इसी के लिए तो कर पाए और जिन्होंने अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं रखा वो नहीं कर पाए राइट right? सो so, अगर आपको अपने आप पर विश्वास है कि आपने जो गोल चार्ट बनाया है जो विजन बोर्ड बनाया है जो आपने लिस्ट बनाई है सचमुच वो पूरी हो सकती है सचमुच आप उसे साकार कर सकते हैं सचमुच आप उसे अचीव कर सकते हैं अगर आपको ऐसा विश्वास है तो हंड्रेड परसेंट वो हो सकता है मुमकिन है मगर उसके लिए आपको पहला विश्वास होना जरूरी है पॉसिबिलिटी बहुत जरूरी है